अगर आप सिलाई मशीन मोटर एक्सलेटर से चलाते हैं, अगर आपका एक्सलेटर खराब हो जाता है या करंट आता है, तो दोस्तों घर पे ही कैसे सही करेंगे? तो बहुत अच्छे तरीके से हमने वीडियो में बताया है। ये वीडियो लास्ट तक देखिए और घर पे ही सही करना सीखिए। दोस्तों एक्सलेटर में बहुत सा कारण होता है जो सही नहीं चलता है, क्योंकि इसमें एक तार होता है, ये देखिए, ये दोनों एक जगह होता है, ज्वाइंट होता है, और दूसरा जो होता है एक पत्ती में लगा होता है, एक ये वाला पत्ती में लगा होता है, और ये पत्ती है चौड़ी वाली, ये ऐसे दाबने के बाद ये उसमें सट जाता है, तो उसमें चलता है। वो होता है कि चलते चलते ये पत्ती वगैरह या ये चीज़ कुछ भी इसमें से टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, तो चलना बंद हो जाता है। तो मेरा इसमें देखिए ये पत्ती टूट गया है चलते चलते, तो ये इसमें पत्ती में दूसरा लगाऊंगा, या तो किसी भी एक खोल के इसमें लगा दूंगा मैं, तो भी चल जाएगा। दो पत्ती से भी काम चल जाता है, लेकिन इसमें पाँच है, पाँच से ये फायदा है कि अगर एक में कोई कमी आ गया तो इससे चल सकता है। मैं आपको बता दिया मेरा पत्ती टूट गया था, तो इसमें यही प्रॉब्लम है। और ये देखिए चलते चलते होता है कि ये इसमें भी प्रॉब्लम आ गया है, या खुद ही निकल गया इसके बाहर। तो इसको हम खोल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बारीकी से समझाएंगे। देखिए ये जो मेरा तार है इसमें लगा हुआ, ये दोस्तों इसमें है, मैं इसमें और इसमें, नहीं तो इसमें, ये तीनों में किसी में भी लगा सकता हूँ। एक साइड में लगा हुआ है और एक इसमें लगा हुआ है, तो ये टूट गया है, तो इसमें मैं दूसरा पत्ती लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें लगा दूंगा ये खोल के। दोस्तों हमने ये पत्ती टूट गया था, तो इसको हमने हटा दिया है, हमने इसमें लगा दिया है। तो देखिए इसको हमने टाइट भी अच्छे से कर लिया है, इस तरह से ये होता है। एक तार हमेशा ज्वाइंट होता है, एक तार एक इधर लगा होता है, एक इसमें किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने ये टाइट कर लिया है अच्छे से, और दोस्तों ये इस तरह से है, लेकिन ये इस तरह से रहेगा। दोस्तों ये इस तरह से लगेगा, लेकिन ये पूरा लोहे का होता है, हम इसमें इसके नीचे एक लिफाफा रखेंगे सेफ्टी के लिए। दोस्तों इसमें एक गली बना हुआ है, एक ये इधर लगेगा, और ये देखिए ये इस तरह से होगा, ये इधर लगेगा, ये गली में गली इस तरह से चेक कर लेंगे। अब दोस्तों इसको हम इसमें सेट करेंगे। देखिए एक पेच इधर होता है साइड में, ये रबर होता है सेफ्टी के लिए। देखिए आपस में जो ये पतली साइड है, पतला साइड, ये दोनों एक जगह होना चाहिए बीच में इस तरह से। दोस्तों ये कम से कम दो सूत का गैप होना चाहिए, सट के नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी हटना चाहिए। और इसमें ये कट सा बना हुआ है, तो दोस्तों ये कट ये साइड रहेगा अंदर के साइड, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। इसमें गली बना हुआ है, देखिए गली बना हुआ है, इसी में ये पेच को टाइट करना है।
देखिए जब इसको हम पुश करेंगे इस तरह से, ये देखिए ये आपस में सट जाता है तो ये चलने लगता है, क्योंकि एक वायर जो होता है, ये देखिए हमने बताया था, ये आपस में सटा हुआ होता है। एक वायर जो होता है एक साइड होता है, एक दूसरी साइड होता है, और ये पत्ती जो है ये पुश करने के बाद आपस में चिपक जाता है तो चलने लगता है। तो मेरा एक टूटा हुआ था, देखिए हमने इसको हटा दिया है, इसमें लगा दिया है। अगर आपके पास होता, मेरे पास होता तो मैं लगा देता, पर मेरे पास नहीं है। इसमें से अगर दो है तो भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पाँच ही होना चाहिए। पाँच हो चार हो तो होता है कि हैवी हो जाता है, अगर एक है तो एक पे ज़्यादा लोड पड़ता है, वो जल्दी टूट जाता है। ये बस यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये अभी हो चुका है अंदर का काम। तो दोस्तों ये जो होता है ये सेफ्टी के लिए होता है, इसमें से जैसे हमने निकाला था सेम उसी तरह से इसमें डाल के इसमें पैक कर देंगे, पेज को टाइट कर देंगे ताकि ये बाहर ना आए, नहीं तो इस तरह से ये बाहर निकल सकता है। दोस्तों हमने इसको इस तरह से डाल दिया है, देखिए ये गली और ये जो गली बना हुआ है ये आपस में मिलना चाहिए। आप इधर ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि किधर से डालना है, ये गली में गली इस तरह से मिलना चाहिए। और इसमें जो ये पेच हमने खोला था शुरू में, इसको हमने ये टाइट कर देना है। दोस्तों हमने इस पर जो आपको बताया था हमने वो टाइट कर लिया है दोनों स्क्रू को। और ये देखिए आपको ये ध्यान देना है, कोई भी पत्ती इसमें टच नहीं होना चाहिए, एक सूत ही हो लेकिन सब में हटके होना चाहिए। जब हम इसको पुश करेंगे इस तरह से, देखिए ये आपस में सट जाना चाहिए। पहले अगर सटा होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, और ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आपको टाइट करना है बहुत अच्छे से, और इस वाले को भी बहुत अच्छे से टाइट करना है। ये हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी टाइट होना चाहिए। और दोस्तों आपको ये भी बहुत ज़रूरी है, जब ये आपको कभी लगे ख़राब हो गया है, जब इस तरह से देखेंगे आवाज़ हो रहा है अंदर में, तो आपको खोल के चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि पेच लूज हो जाए, अगर लूज हो जाता है ये वाला पॉइंट खुल जाता है, ये पत्ती ही अगर टूट गया तो इसमें करंट आ सकता है। और एक बात है, जब ये हम इसको पुश करते हैं तो इसमें करंट आता है, तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ तक आ रहा है ना, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। इसमें देखिए थोड़ा गैप होना चाहिए, अगर गैप नहीं है तो इस प्रकार से इसको इस तरह से कर दीजिए, इसमें गैप आ जाएगा, गैप होना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें करंट आ जाएगा। देखिए इसमें एक अपने स्टाइल से मैं कर अपने तरीके से करता हूँ, ये इसको इस तरह से टेप लगा देंगे, लिफाफा करके इस तरह से इसमें टेप लगा देंगे, ये ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं, कहीं भी करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए एक में इसमें करंट नहीं आ रहा, एक में करंट होगा, देखिए एक में करंट है, ठीक है, एक में करंट नहीं है, वो अर्थिंग वाला होता है, माइनस प्लस होता है इसमें। जब इसको हम टच करेंगे, पुश करेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे टच होगा, ठीक है, ये आपस में टच होने लगता है, दोस्तों हमने आपको चेक करके बताया कहीं भी करंट नहीं आ रहा है, करंट सिर्फ इसी में आएगा। हमने लिफाफा नीचे से भी रख दिया है और साइड से भी इस तरह से रख दिया है सेफ्टी के लिए। अब इसको हम इसको पैक कर देंगे जैसा ये पहले था। दोस्तों हमने आपको चेक करके बताया कहीं भी करंट नहीं आ रहा है, देखिए मैं हाथ से ही करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से अगर आपका वायर शॉर्ट हो जाए, जैसे कि करंट इसमें आ जाता है कभी, ये वायर ख़राब हो जाता है, तो जैसे हमने आपको खोल के सही से करके बताया, उस तरह से आप वायर भी चेंज कर सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा। अगर इससे भी ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं, एक लिफाफा लेंगे आप, लिफाफे अंदर आपको इसको रख देना है, अभी करंट है इसमें, मैं हटा देता हूँ, लिफाफा के अंदर रख देना है इसको आपको अच्छे से, और इसको टेप करके इस तरह से रख लेना है, कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा। और इस तरह से आप
पत्ती वगैरह जो भी प्रॉब्लम है इसको सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इसके बदले में एक लाइक कर देना।